नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Poco M4 Pro versus Realme Narzo 30 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Poco M4 Pro में 6.29 इंच जबकि Narzo 30 में 6.39 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Poco M4 Pro में 2.91 इंच जबकि Narzo 30 में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Poco M4 Pro में 0.31 इंच जबकि Narzo 30 में 0.37 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Poco M4 Pro से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Poco M4 Pro में 179.5 ग्राम जबकि Narzo 30 में 192 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Poco M4 Pro से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Poco M4 Pro में AMOLED जबकि Narzo 30 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Poco M4 Pro में 6.43 इंचेस जबकि Narzo 30 में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Poco M4 Pro में 84.64% जबकि Narzo 30 में 83.36% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Poco M4 Pro में 409 पिक्सल प्रति इंच जबकि Narzo 30 में 405 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Poco M4 Pro में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Narzo 30 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 12 नैनोमीटर है। GPU की बात करें तो Poco M4 Pro में Mali-G57MC2 जबकि Narzo 30 में Mali-G76MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Poco M4 Pro में MediaTek Helio G96 और Narzo 30 में MediaTek Helio G95 मिलता है। बात करें RAM की तो Poco M4 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है, जबकि Narzo 30 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Poco M4 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Narzo 30 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 64GB, 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Poco M4 Pro में अप टू 1TB जबकि Narzo 30 में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Poco M4 Pro में 3 कलर्स जबकि Narzo 30 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Poco M4 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹14,999, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹16,499,
8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें नार्जो 30 की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 13,448 रुपीस, 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो पोको M4 Pro में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme Narzo 30 की तो उसमें 6 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में पोको M4 Pro आगे है, मेन कैमरा में पोको M4 Pro आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro है, दूसरा Infinix Zero 8i है, तीसरा Samsung Galaxy A22 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G60 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।